सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। भाई लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम संडे राइड पे गए थे और वहाँ पे एक बाइक थी हमारे ऋषभ की, छोटे बाइक की, वो क्रैश हो गई थी। तो आज हम उस बाइक को एजेंसी में छोड़ने जा रहे हैं और देखते हैं क्या क्या सीन बनेगा क्लेम वगैरह का। तो अभी ऋषभ और एस आगे निकल गए हैं वो पेट्रोल पम्प पे, मैं और मैडी अभी यहाँ से जा रहे हैं। GS मोटो में हमने बाइक खड़ी करी थी, तो वहाँ चल के देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। अब पहले एजेंसी लेके जाएंगे, फिर वहाँ देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली मतलब GS मोटो पहुँच गए हैं। इधर अपने NS है, रेस वाली NS है भाई, ऋषभ की बाइक तुम देख सकते हो। लास्ट ब्लॉग में तुम्हें दिखाया था भाई, पूरे मतलब पूरी एक साइड से ख़त्म है बाइक। और उधर अपनी निंजा 400 भाई, अपनी तो है नहीं किसी की, अपन मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है निंजा 400। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं भाई। अभी मैडी चला रहा है ऋषभ वाली बाइक और मैं अपनी बाइक पे, और ऋषभ और रेस आएंगे सर। सो फ्रेंड्स, अभी देखने के लिए लाउड हो गया भाई ऋषभ वाली बाइक का। भाई पीछे से देखो यार, पूरी मतलब टेढ़ी हो रखी है, आई थिंक चेसी बैंड हो गया भाई इस बाइक की। पीछे से देखो कैसे टेढ़ी हो गया पूरा, मतलब ऐसा वन साइड ही लग रहा है। आगे से हैंडल बीटी पूरा टेट हो गया, हैंडल रॉड साइड से देखो यार, लाउड हो गया पर मतलब बहुत बहुत लाउड हो गया, मतलब बिना एग्जॉस्ट के सिर्फ बैंड पाइप पे चली है, कन्वर्टर कुछ लगा नहीं है। साइड फ्रेम से देखो कैसी लग रही है भाई, ठुकी हुई बाइक हमारी, पूरा मतलब यार सब कुछ ये कर दिया बाइक का, रहा बर्बाद ही कर दिया बाइक पूरी। मतलब इन्हें सेक्सी बनाई हुई थी ऋषभ ने ना अपनी बाइक, बट भाई पूरे बाइक पे ये कर दिया। मतलब ये साइड थोड़ी सेफ है भाई, उस दूसरी साइड से तो मतलब टोटल गई है। पीछे से देखो भाई कैसे बजी है मामा जो। मिनी कूपर, मिनी कूपर वो कहाँ रह गए दोनों, अरे वो दोनों आए रहे पीछे। गाइस अब देखो यार, मतलब टोटल खत्म है बाइक भाई पूरी। अब चलो एजेंसी में चल के देखते हैं क्लेम वगैरह का सीन क्या बनता है, देखते हैं। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए भाई, TVS और रैश और ऋषभ पीछे रह गए। नहीं साउंड देखो भाई, मटक भी हंकर सीन हो गया है। देखो भाई जो फेयरिंग उसने लगाई थी बाहर से, जो भी वो सब कुछ तोड़ दिया, शॉकर भी लीक हो गया इस साइड से और हेडलाइट भी पूरी टूट गई है भाई। ये वाली चीज़ उसने बहुत सेक्सी करवाई थी और ये भी गई। तो अभी ऋषभ और रैश भी आ गए भाई। इसका क्या है खोलने का, किट का कुछ नहीं है। क्लेम तो वारा उस चीज का मिलेगा जो इसकी मिली होगी, किट का नहीं है कुछ। क्या बोला चल। सो फ्रेंड्स अभी हम अंदर आ गए हैं, इंश्योरेंस का आप ही करो वो करो। तो
चल देखते हैं इंश्योरेंस का वहाँ पता करना। सो फ्रेंड्स अभी फोटोकॉपी वगैरह निकाले अंदर से, फोटो स्टेट जो भी होता है अभी देखते हैं। 21% बचे, गोप्रो चार्ज भी नहीं हमारा प्रॉपरली। फ्रेंड्स हम बाइक वगैरह तो छोड़ा था एजेंसी में, 62,000 समथिंग का बिल बढ़ा, उन्होंने तो बोला कि टोटल लॉस कर देते हैं, बट ऋषभ ने मना करके टोटल लॉस नहीं करना है, टोटल लॉस ऐसा है नहीं, जो सामान आप इंश्योरेंस में क्लेम करके हमें दे देते हो दे दो, बाकी हम खुद डलवा देंगे। बाकी जल्दी ऋषभ वाली बाइक तैयार होकर आ जाएगी, और ऋषभ भी अब काफ़ी सही है, उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है, मतलब ऐसी कोई इंजरी नहीं आई थी कि ज़्यादा लगी हो सब कुछ, दैन ठीक है। फ्रेंड थोड़ा प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, इस वाली वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।